दुर्गमासुर की भयानक आसुरी शक्ति से खिन्न और भयभीत देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद और गुरु बृहस्पति के परामर्श का विरोध करते हुए देवताओं को दुर्गमासुर से युद्ध का आदेश दिया, किंतु वरदानी शक्ति से संपन्न दुर्गमासुर के सम्मुख यज्ञ भाग न मिलने से निर्बल देवता विवश होकर अदृश्य हो जाते हैं। बृहस्पति व नारद पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ सिद्धाश्रम जाकर दुर्गमासुर से भयभीत ऋषि मुनियों को समझाने का असफल प्रयास करते हैं। अपमानित पराजित देवराज इंद्र नारद की प्रेरणा पर गुरु बृहस्पति से क्षमा याचना करते हैं। मैं दुर्गमासुर अमर हूँ, अजय हूँ, शक्तियों की महाशक्ति हूँ, कालों का काल हूँ, विधि का विधाता हूँ, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता, मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। दुष्ट दैत्य दुर्गमासुर का अंत कर हम सबको मुक्ति प्रदान की। आज से आपका दुर्गा नाम सार्थक। माता, आपके दुर्गा नाम की महिमा से हम सब भली भांति परिचित हैं। भयानक कष्ट में पड़ा व्यक्ति केवल एक बार आपका नाम दुर्गा पुकारने पर अपने भयानक कष्टों से मुक्ति पा जाएगा। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता माँ जगदम्बा की जय। देव रक्षक शक्ति माता की जय। दुर्गमासुर संहारक शक्ति माता जगदम्बा की जय। जय शिव शंकर। ज्ञान की समस्त धाराओं, वेद शक्तियों, आपको कष्ट पहुंचाने का दोषी मैं हूं। मुझे क्षमा की नहीं दंड की आवश्यकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम, मुझे दंड दीजिए, दंड दीजिए मुझे। नहीं दैत्य गुरु, आपने स्वयं दंड की अभिलाषा करके अपने पापों को क्षम्य बना लिया है। दंड से बड़ा होता है प्रायश्चित, इसलिए स्वयं आप अपने पापों का प्रायश्चित करें दैत्य गुरु। भगवान शिव शंकर अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते, आप उन्हीं की आराधना करें, वे अवश्य आपका उद्धार करेंगे, वे शरणागत वत्सल हैं। प्रायश्चित भाव से प्रकट होने वाले महापापी को क्षमा कर देना ही वेद ज्ञान है दैत्य गुरु। जय शिव शंकर। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परार्थ पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय।
नमः शिवाय। दिव्य ज्ञान की शक्ति वेद गणों, दुष्ट दैत्य दुर्गम असुर ने जिस प्रकार आपको अपमानित और प्रताड़ित किया है उसके लिए हमें दुख है। स्वामी, इस स्थिति का मुझे पूर्व अनुमान था। मैंने वरदान से पहले ही दुर्गमासुर का अंत करने का आग्रह किया था। देवी पार्वती, उस विषय को तो स्वयं भोलेनाथ ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। एक तपस्वी को उसकी तपस्या के प्रतिफल से वंचित करना हम त्रिदेवों के कर्तव्य के विरुद्ध है। हम दुर्गमासुर को वरदान में वेद प्रदान करने को विवश थे। ब्रह्मदेव, त्रिशक्तियों के कर्तव्य से मैं स्वयं अलग नहीं हूँ। अपनी बात स्पष्ट करें देवी पार्वती। स्वामी, हम सब तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देने के लिए विवश हैं। किंतु जब हम किसी भी तपस्वी को वरदान देते हैं तो एक बंधन अवश्य लगा दें। कैसा बंधन? कि उन्होंने यदि वरदान में प्राप्त दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उनकी वरदानी शक्ति नष्ट हो जाएगी। हम देवी पार्वती के कथन से पूर्ण सहमत हैं। वेद मात्र दिव्य ज्ञान नहीं अपितु देवताओं का सम्मान है, सृष्टि का मूल आधार है। इन्हें कष्ट पहुंचाने वाला दुष्ट वास्तव में हमें कष्ट पहुंचाता है। अतः हमें भविष्य में किसी भी तपस्वी को वरदान देने से पूर्व गंभीरता से विचार करना। वेदगण, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है, कृपया हमें क्षमा करें। ऐसा कहकर हमारा अपमान न करें परमपिता। हुआ वही जो विधि का विधान था, हमें अपने कष्टों का तनिक भी दुख नहीं। हे परमपिता, अपितु हमें प्रसन्नता है कि एक दुष्ट शक्ति के अंत का कारण हम वेदगण बने। दिव्य ज्ञान के स्वामी, आपके विचार भी दिव्य। अब आप सभी ब्रह्मदेव के कर कमलों को पुनः सुशोभित करें। ओम नमः शिवाय। शिव शंकर की कृपा से ज्ञान की समस्त धाराओं के चारों वेद ब्रह्मदेव के हाथों में सुरक्षित हो गए। भक्त वत्सल भोलेनाथ निःसंदेह अपने भक्तों का निश्चित समय पर अवश्य उद्धार करते हैं। महेश्वर शिव की आराधना सच्चे मन से करने वाले सभी उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। उनकी कृपा पाने हेतु मृकंड ऋषि गहन रात्रि के समय शिवलिंग के सम्मुख निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, तेरी दासी की दुर्दशा तो देखिए स्वामी।
वचन और अग्नि को साक्षी मानकर आपने मेरा वरण किया था स्वामी। मुझ पर कृपा कीजिए स्वामी। स्वामी आंखें खोले, आज आपको आंखें खोलनी ही पड़ेगी स्वामी। अपनी तमाम को मेरा देना ही पड़ेगा। आंखें खोले स्वामी। ओ नमः शिवाय। कितने कठोर ना बने नाथ। आंखें खोले। आज मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। एक ऋषि पत्नी का धैर्य समाप्त होना अच्छी बात नहीं है सुतपा। मैं इसे भी अपना सौभाग्य मानती हूँ स्वामी कि आपने मुझे ऋषि पत्नी तो कहा, किंतु आज आज मैं विवश हो गई नाथ। तुम्हारी विवशता का कारण क्या है? एक कारण हो तो बताओ नाथ। सुतपा, मैं इस समय समाधि अवस्था में हूँ, पहेलियों की भाषा समझने का समय नहीं है मेरे पास। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहो। स्वामी, आज संभवतः पहली बार मेरा हृदय आपके प्रति उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में पराजित हो गया है। कहने के बाद भी तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलकर मेरा शिव आराधना में लगने वाला समय व्यर्थ कर रही हो। स्वामी, आप तो कहते हैं कि प्रश्न में ही उसका उत्तर छिपा रहता है। सुतपा, तुम प्रश्न नहीं पूछ रही हो, मेरा मन शिवाराधना से हटाने का प्रयास कर रही हो, और ये एक दंडनीय अपराध है। दंड? आपसे विवाह के उपरांत जिस दंड को मैं सह रही हूँ, क्या उससे भी बड़ा दंड है ये? मुझसे विवाह का दंड? सुतपा, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? स्वामी, मेरे पिताश्री ने आदरणीय ऋषि समाज के समक्ष आपको मेरा कन्यादान किया था। हाँ, ये सत्य है। तो क्या ये सत्य नहीं कि विवाह के दिन से आज तक आपने मुझे एकाकी उपेक्षित जीवन जीने को विवश किया है? सुतपा, और क्या ये सत्य नहीं है कि एक ऋषि के रूप में महान आदर प्राप्त करने वाले आप एक गृहस्थ के रूप में हर तरह से पराजित हुए हैं? सुतपा, यदि आपको ब्रह्मचर्य में ही लगे रहना था तो आपने विवाह किया ही क्यों? क्या भविष्य के इस प्रश्न का आपके पास कोई उत्तर है स्वामी? प्रिय सुतपा, सुमुखी, विवाह करने के पीछे मेरी इच्छा से बड़ी थी तुम्हारी कामना। मैंने तो आजीवन विवाह न करने का निर्णय ले लिया था सुतपा, किंतु तुमने मुझसे विवाह करने का हट ठान लिया था, और तुम्हारे हट के आगे मैं और तुम्हारे पिता विवश हो गए थे। मैं असत्य तो नहीं कह रहा ना? नहीं स्वामी। विवाह के उपरांत मैं तुमसे अनुमति लेकर इस निर्जन वन प्रदेश में शिव आराधना के उद्देश्य से चला है। मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है अपनी तपस्या से भोले शंकर को प्रसन्न करना, किंतु आज तुम मेरी तपस्या में बाधा डालकर अपयश और पाप की भागी बन रही हो। ये सत्य है ना कि मैंने आपसे विवाह करने का हट किया था, जिसका उद्देश्य था संसार के कल्याण के लिए आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना, किंतु विवाह के दिन से आज तक आपने मेरे उद्देश्य का सम्मान नहीं किया, मेरी इच्छाओं को स्वीकार नहीं किया आपने। ये तुम क्या कह रही हो सुतपा? मैं सत्य कह रही हूँ नाथ। मैं सोचती थी कि एक न एक दिन आप अवश्य मेरी भावनाओं को समझते हुए अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करेंगे, किंतु आप जैसे ब्रह्मचारी पहले थे वैसे ही विवाह के उपरांत भी बने रहे। सत्य तो ये है सुतपा, विवाह में मेरी तनिक भी रुचि नहीं थी, मैं मात्र शिव दर्शन और शिवलोक की आकांक्षा में, किंतु मुझसे तुम्हारा दुख भी नहीं देखा जाता, क्योंकि दुख देना ऋषियों का स्वभाव नहीं होता। अर्थात? सुतपा, मेरे अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त होने में मात्र एक माह शेष है, और इस समय कृपा करके मेरी तपस्या में बाधा न डालो। यदि शिव इच्छा हुई तो इसके उपरांत मैं तुम्हारा दुख दूर करने का प्रयास करूंगा। शिव इच्छा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।